यमनी हौसियों के मुकाबले में अमेरिका तो भारत को लाकर खड़ा करना चाहता था और उनसे हमला करवाना चाहता था, लेकिन अब अमेरिका के इस अधूरे प्लान को सऊदी अरब पूरा करने जा रहा है। सऊदी अरब ने यमनी हौसियों का मुकाबला करने के लिए मैरिटाइम कॉपरेशन के लिए इंडिया से बाकायदा तौर पर मदद मांग ली। ना सिर्फ ये, बल्कि भारतीय नेवी और सऊदी नेवल चीफ आपस में मिलकर मैरिटाइम कॉपरेशन को मजीद गहरा करने और मजबूत करने के लिए प्लान भी बनाते रहे। एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है जिसमें भारतीय नेवी के चीफ और सऊदी अरब की नेवी के चीफ न्यू दिल्ली के अंदर मिलकर बैठे और दोनों ने आइंदा के लिए अपने ताल्लुकात और अपने कॉपरेशन को मजीद मजबूत करने के अज़म का इजहार किया। एडमिरल आर हरी कुमार जो कि भारतीय नेवी के चीफ हैं और एडमिरल फहद अब्दुल्ला जो सऊदी नेवी के चीफ हैं, दोनों की जानिब से मिलकर यमनी हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियों को मजीद मजबूत करने और पहले से कई गुना ज़्यादा तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया है। सऊदी नेवी चीफ 10 जनवरी से 13 जनवरी तक भारत के दौरे पर आए, जहां दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से अहम मुलाकातें भी हुई और बड़े प्रोजेक्ट साइन करने के हवाले से भी उम्मीद की जा रही थी। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री की जानिब से बताया गया है कि दोनों ममालिक ने मैरिटाइम चैलेंजेस को, खास तौर पर इंडियन ओशन के अंदर मिलकर इनका मुकाबला करने के लिए अपनी कॉपरेशन और ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाने का फैसला किया है। अब यहाँ इंडियन ओशन के अंदर मैरिटाइम चैलेंजेस के हवाले से अमेरिका ने भारत को ये समझाने की कोशिश की थी कि रेड सी के अंदर मौजूद यमनी हौसी आपकी तरफ आकर भी हमलावर हो सकते हैं, लिहाजा अमेरिका चाहता था कि भारतीय नेवी आकर यमनी हौसियों का यहाँ मुकाबला करे और अमेरिका को यहाँ अपने शिप ना भेजने पड़े। लेकिन भारत उस वक्त तो ऐसा करने पर तैयार ना हुआ, सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए 6 शिप भिजवाए गए। बादशाह यमनी हौसियों पर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हमला किया। सऊदी अरब इस मामले में अब अमेरिका के ख्वाब को पूरा करते हुए भारत को यहां इन्वॉल्व करना चाहता है। सऊदी अरब ने इस हवाले से पाकिस्तान से भी मदद मांगी थी कि यमनी हौसियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की नेवी की मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने जब इस पर कोई इकरार न किया और मदद देने से इनकार कर दिया तो फिर सऊदी अरब ने भारत को इंगेज कर लिया है।